दोस्तों नमस्कार। आज हम जो है गाय में जो बाँझपन कैसे होता है, किन कारणों से होता है, उसके विषय में बताएंगे। फिर अगले वीडियो में मैं उसका निवारण कैसे करते हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो एनेस्ट्रस किसे कहते हैं? तो जो है जब नियत डेट पे हमारी गाय जो है हीट में, गर्मी में नहीं आती है, तो हम उसे एनेस्ट्रस में रखते हैं और उसके इलाज के लिए फिर हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एनेस्ट्रस किसे कहते हैं, एनेस्ट्रस के कैसे होता है, किस आधार पे हम इसको वर्गीकरण करें। तो अक्सर आप डॉक्टर से कहते ये सुने होंगे किसान भाइयों कि डॉक्टर जब हाथ डाल के परीक्षण करता है तो ये बताता है कि इसके जो है बच्चेदानी में गांठ है। तो वो जो गांठ है उसी को हम सीएल कहते हैं, कार्पस लूटियम। तो अब बात आती है कार्पस लूटियम के आधार पर एनेस्ट्रस, मतलब जो है तो एनेस्ट्रस जो है अब कार्पस ल्यूटियम या तो क्रियात्मक होगी या अक्रियात्मक होगी। तो क्रियात्मक के आधार पर जो है जो उसमें एनेस्ट्रस होता है या बाँझपन आता है, जो गाय बच्चा नहीं देती है या समय से गर्मी में नहीं आती है, तो उसे हम असत्य हीट कहते हैं, मतलब एनेस्ट्रस कहते हैं। तो इसमें अब इसको अगर देखा जाए तो इसमें जो है गर्भावस्था में जब जानवर होता है तो वो हीट में नहीं आता है, और उसके बाद अगर उसमें पायोमेट्रा हुआ है तो भी वो हीट में नहीं आएगी, या तो मैसरेटेड फीटस के कारण भी वो हीट में नहीं आएगी तो वो एनेस्ट्रस में जाएगी, और जो है ममीफाइड फीटस होगा तो भी वो हीट में नहीं आएगी और इस एनेस्ट्रस का कारण बनता है, और लास्ट में साइलेंट हीट में तो आती है, कम वीक या कमज़ोर हीट में आती है, खुल के हीट में नहीं आती है। तो ऐसे एनेस्ट्रस को हम साइलेंट हीट कहते हैं। तो वो गाय साइलेंट हीट में तो आई लेकिन हम चूंकि जान नहीं पाए, वो चुप्पे में बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट लक्षण नहीं सोखी। तो ये हो गया क्रियात्मक सीएल के आधार पर एनेस्ट्रस। अब दूसरा जो है अक्रियात्मक नॉन फंक्शनल सीएल जो है, तो अक्रियात्मक होता है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें हमको ये मिलता है कि जैसे जानवर में पोषक तत्वों की कमी है या दूध देने के कारण जो है वो हीट में नहीं आती है, जैसे सकलिंग करता है जब तक बच्चा जो है गाय को, तो उसके कारण भी उसमें हीट में जानवर नहीं आता है और एनेस्ट्रस में बना रहता है। और उसके बाद फिर कोई भी क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीजेज हैं तो जिसके कारण वो कमज़ोर होता जा रहा है, और सैलिनिटी वीक थिन है, तो इन सब कारणों से जो है वो नहीं आ पाता है। अब हम दूसरा बेसिस जो एनेस्ट्रस का है तो उसमें स्टेज ऑफ एनिमल का होता है, जानवर की स्थिति के कारण जो है एनेस्ट्रस उसमें आता है। तो उसमें हम इसको ब्रॉड टर्म में अगर डिवाइड करें तो प्री प्यूबर्टल मैच्योरिटी के पहले जब जानवर नहीं हीट में आता है, क्योंकि मैच्योर नहीं होता है तो मैच्योरिटी तक वो हीट में नहीं आएगी, तो ऐसे पीरियड को हम प्री प्यूबर्टल एनेस्ट्रस कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति यह आती है कि जो है बच्चा देने के बाद जानवर हीट में नहीं आता है, तो उसमें जो है फिजियोलॉजिकल कारण एक होता है जो कि दो बच्चा देने के 2 से 3 या 1 वीक 4 वीक तक जो है जानवर हीट में नहीं आता, क्योंकि उसमें बच्चेदानी का रिजुनुएशन होता है, पुनः प्रॉपर स्थिति में आती है, तो वो पीरियड भी एनेस्ट्रस का एक कारण बनता है। फिर उसके बाद लैक्टेशन स्ट्रेस होता है। अब लैक्टेशन स्ट्रेस एक अच्छा टॉपिक है, जब सकल्ड काऊ होता है तो उसमें जो है प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है कि जो है स्ट्रेस साइक्लिक को जो है स्ट्रेस पीरियड को जो है प्रोलॉन्ग कर देता है, उसके पीरियड को बढ़ा देता है, क्योंकि सकल्ड काऊ में जो है चूँकि
एलएच एलएच का सिक्रीशन कम होता है, और एलएच का सिक्रीशन कम होता है तो ओवुलेशन नहीं होता है, और ओवुलेशन नहीं होता तो एस्ट्रस साइकिल में वो पुनः वापस नहीं आती है। और एक रीजन और है, प्लाज्मा कॉर्टिसेबल बढ़ जाने के कारण भी जो है उसमें जो है वो जो है एलएच का सिक्रीशन एलएच के सिक्रीशन को घटा देता है, फिर वही उसमें आता है कि ओवुलेशन नहीं होता और फिर उससे वो एस्ट्रस साइकिल में वापस नहीं आ पाती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीजेज हैं, जैसे उसमें पैर में उसके चोट लग जाए, लंबे समय तो को नहीं हो पाए, फिर एबोमेसम का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो ये क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज के कारण भी एनएसटस में नहीं आता है। और उसके बाद न्यूट्रिशनल इफेक्ट होता है, तो जैसे जानवर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में है तो भी नहीं आएगा, या तो ट्रेस मिनरल जो होते हैं एलिमेंट होते हैं उनकी कमी होगी तो भी नहीं आएगा। उसके बाद अब आते हैं तो पोस्टपार्टम जो है सर्विस एनेस्टस पोस्टपार्टम, तो पोस्टपार्टम में सर्विस जो एनेस्टस होता है तो उसमें पोस्टपार्टम जैसे जैसे कि वो उसमें जो है एआई हो गया या नेचुरल सर्विस हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई कोई इन्फेक्टेड सीमेन डला या इन्फेक्टेड बुल से क्रॉस हुआ तो उसमें पायोमेट्रा एक रीजन हो जाएगा, और फिर या तो सीएल होगा तो सीएल के कारण वो एनेस्टस में नहीं आएगा, हीट में नहीं आएगा तो भी एनेस्टस होगा, और या तो जो है साइलेंट हीट में आएगी तो भी एनेस्टस का कारण बनेगा। तो ये इतनी चीज़ें एनेस्टस को जो है एनेस्टस का ये कारण है। तो हमने यहाँ पे अगर समरी करें तो लैक्ट एनेस्टस का कारण सीएल के आधार पर, और जो है ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ के आधार पर, लाइफ के आधार पर हमने प्री प्यूबर्टल पोस्टपार्टम और पोस्ट सर्विस के कारण एनेस्टस बताया है, और सीएल के कारण मैंने जो बताया या तो सीएल फंक्शनल होगी या तो सीएल नॉन फंक्शनल होगी। तो जो फंक्शनल होती है उसको क्रियात्मक सीएल के आधार पर बोलते हैं, जिसको कि फाल्स एनेस्टस बोलते हैं, या इसी को आभासी बोलते हैं एनेस्टस। जो नॉन फंक्शनल एनेस्टस होता है उसे हम सत्य